Assalamualaikum guys, आपका दोस्त आपका भाई असमान चौधरी हमारे साथ मौजूद है जनाब काशी भाई। काशी भाई क्या हाल है? ठीक है, सेहत तबीयत ठीक है जनाब आपकी? उनके साथ ये कादे भाई क्या हाल है जनाब? ठीक है, सेहत तबीयत ठीक है? थोड़ा सा मोबाइल पीछे। ये हमारे जनाब प्यारे भाई मानी भाई। मानी भाई क्या हाल है? ठीक है, आज आपकी तबीयत ही खराब है, थोड़ा गला खराब है, वैसे ठीक है। चले अल्लाह आपको सेहत दे। ये साथ हमारे एक और प्यारे भाई मानी भाई, ये भी मानी भाई, ये भी मानी भाई। मानी भाई क्या हाल है? ठीक है, दोनों मानी भाई इकट्ठे हो गए हैं। तो आज जनाब हम जा रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेट करने। तो पिछली बार आपको याद है कि 14 अगस्त थी ना, 14 अगस्त को हमारे साथ बड़ी बड़ी ट्रेजडी हो गई थी। इतनी मुश्किल से उधर पहुँचे लेकिन आगे कोई आतिशबाजी नहीं, कोई सिस्टम नहीं। तो अभी जनाब हम जा रहे हैं, तकरीबन टाइम क्या हुआ है, 8 हो गए हैं। तो इंशाल्लाह हमारे साथ रहिएगा, ये व्लॉग इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। तो आज आपको शानदार नज़ारा दिखाया जाएगा आतिशबाजी का। एक पार्क भी उस सिटी में हो रहा है लेकिन अभी 50-50 है क्योंकि हुकूमत की तरफ से काफ़ी वो पाबंदियाँ आयद की गई हैं कि कहीं भी आतिशबाजी नहीं होगी। लेकिन हम एक तवक्कल जा रहे हैं भाई, चलो वो तो मेरे ख्याल से फ़लस्तीन के हवाले से कर रहे हैं ना। फ़लस्तीन के हवाले से अगर आपने करना भी है ना तो आप अपनी फौज तैयार करें। क्या ख्याल है? बिल्कुल ऐसी बात है ना, फौज तैयार करें, हम जिहाद करने जाएंगे। ये होता है, इन चीज़ों से नहीं होता कि आप अपने मुल्क में आतिशबाजी ना करें नए साल के लिए, भाई हज़ारे यकजहती करें कि वो क्या कहते हैं फ़लस्तीन की। हमें अगर उनके साथ हज़ारे यकजहती करनी है तो हम अमली तौर पर करें। क्या ख्याल है आपका? तो इन चीज़ों से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि इधर आतिशबाजी नहीं हो, यहाँ जी पाकिस्तान हमारे साथ है। उन्हें गर्ज है अमली तौर पे अपनी फौज भेज के उनके साथ मुकाबला करें। यह हमारे मुसलमानों का ईमान है कि हम उन काफरों के साथ जब लड़ेंगे ना तो हम जहाद की मौत, शहादत की मौत हमें नसीब होगी। तो इसमें ज़्यादा आप सोचें, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। तो अभी जा रहे हैं, लेट्स सी क्या होता है। जनाब अभी हम पहुंच गए हैं एफ टेन में कुछ खाते पीते हैं, उसके बाद सुनना है कि इधर कवाली नाइट चल रही है F7 में जनाब सुपरमार्केट में। तो खा के अब फायरवर्क्स का तो मुझे मुश्किल ही लग रहा है क्योंकि इधर के जो हालात लगे हुए हैं, हर जगह पुलिस है क्योंकि पाबंदी बहुत की हुई है। तो अभी हमारे साथ रही है, खाना पीना खाते हैं तो उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा अमल होगा। क्या ख्याल है किसके बारे में? आतिशबाजी के बारे में कोई पता नहीं है। हमारे साथ रहिएगा जनाब, गाड़ी चेक करो जी उस्ताद। चल ठीक है, उमर कराची क्या हुआ? हाँ जी जाने। हाँ जी मानी भाई, आज जनान में आए हैं, ऑर्डर दें जनाब, चेक करें क्या मंगवाएंगे। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? जनान में आए और जनान माहौल। हाँ माहौल तो जनान है। कादिर भाई आप क्या कह रहे हो? अभी इधर रुके हैं जनान कैफे में, कैफे तो नहीं है, कढ़ाई पुलाव भी मशहूर है तो ये खाते हैं, उसके बाद F7 जाते हैं। उधर कोई सुनने में आया कि कोई माहौल है तो हमारे साथ भी है। रखो जी साथ, रखो क्या कहने, लाने वाले की भी क्या कहने। वाह जी वाह, वाह जी वाह। बीफ कबाब मंगाए हैं, उसके बाद जनाब ये छोटी छोटी रोटियां, ये राइस काबली पुलाव, ये चेक कर सकते हैं आप। खाना खा के माशाल्लाह से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कहवा गरम गरम मंगाया, ये साथ हम खाएंगे गुड़ और पियेंगे चाय कैफा।
लेकिन उससे अच्छा हमें माशाल्लाह से मजा मिल रहा है। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। तो अल्लाह पाक हमारा ये साल खुशियों से भरा कर दे और ये साल हमारे लिए बहुत ही खुशियों का साल बना दे। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस मौके पे? कुछ भी नहीं जी, बस हमें खुश तो क्या है ना, नया साल शुरू हुआ है। साल शुरू है लेकिन जिंदगी का एक साल कम भी तो हुआ है। जिंदगी का वो इस्लामी साल है, वो गुजर गया। तो आतिशबाजी तो बस थोड़ी सी हुई है लेकिन हमने इंजॉय माशाल्लाह से बहुत किया है। तो अगर ये पाबंदी ना होती तो इससे भी ज़्यादा इंजॉय करते। तो साथ रहिएगा, जो भी मामला हुए मैं इनसे इंशाल्लाह दिखाऊंगा, फिर अपने व्लॉग को एंड कर। इधर आतिशबाजी नहीं हुई, हम उधर खड़े हुए थे उस साइड पे, इधर ही मैं उधर ही गया हूं। इधर थे ना हम, उधर जो उस साइड हुई उधर आगे हुई है। हां मिलते हैं जनाब, निगाह जनाब। अभी हम वापस जा रहे हैं लेकिन धुंध इतनी है कि हद निगाह बिल्कुल सिफर हुई हुई है और टाइम भी हो गया है, 3 हो गए हैं। अभी बड़ी मुश्किल से जा रहे हैं। अब देखो फिर, अल्लाह हम सब की हिफाजत करे, सब मुसलमान भाई बहनों की हिफाजत करे, खैरियत से उन्हें अपने मकाम पे लेके जाए। ये आप चेक कर सकते हैं। हाँ जी गाइस, अभी हैप्पी न्यू ईयर का बहुत मुश्किल से सेलिब्रेशन करके अभी हम घर जा रहे हैं। अभी 4 हो गए हैं, सुबह के 4, और फॉग इतनी है कि बिल्कुल हद निगाह 0 है। तो अभी किसी गाड़ी के पीछे हम जा रहे हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। तो फ्लैश ऑन है इसलिए आपको नज़र आ रहा है। बहुत मुश्किल से हम जा रहे हैं जी, बहुत फॉग है। मैं जितने भी मेरे देखने वाले हैं जो भी इस मौसम में लेट नाइट सफ़र करते हैं, सबसे पहले तो मैं उन्हें ये कहूँगा कि आप उससे परहेज़ करें सफ़र से। हमारी तो अब गलती थी, अब हो गई अब, लेकिन हम मशवरा यही दे सकते हैं कि आप इसे रात के ट्रैवल ना करें इन दिनों में, सर्दियों में, क्योंकि जब तक बारिश नहीं आती ये सिलसिला बहुत ही ख़तरनाक है। काफ़ी एक्सीडेंट्स वगैरह हुए हैं मोटरवे में। तो हम बजरिया इधर रवात वाले रोड पर जा रहे हैं लेकिन इधर भी बेहद धुंध है। तो उम्मीद है कि ये 2024 हमारे लिए, आपके लिए खुशियों का साल हो, कामयाबियों का साल हो। ये अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और खुश रखे, और इसकी बदौलत ही आप मुझे ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मैं अपना व्लॉग का यहाँ एंड करता हूँ दुआ के साथ। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, खुश रखे। आप कुछ कहना चाहोगे नए साल के बारे में? कुछ भी नहीं, अल्लाह पाक खैर नेक ख्वाहिशात कह दें। अल्लाह पाक खैर करिए, इसे घर पहुंचा दे, यही बहुत है। आमीन आमीन। आप कोई नेक ख्वाहिशात जी? सबको हैप्पी न्यू ईयर जी, और अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां करे। आमीन। ये भाई फोत हो गए मानी भाई, बिल्कुल तो अल्लाह आप सबका नेकेवान। उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आए।